हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। 22 अगस्त 2019 की प्रीलिम्स अर्बिटर सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़। देखो, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है वो आई है यहाँ पे कैबिनेट कमेटी के बारे में। बेसिकली आपको छोटी सी न्यूज़ है यहाँ पे, ये ध्यान रखनी है कि जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट है उसका हेड कौन होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रधानमंत्री हैं वो कैबिनेट कमेटी ऑफ जो सॉरी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट है इसके हेड है वो होते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। कंटेक्स्ट ये था, अभी बेसिकली आपको बता दूं कि अजय कुमार जो कि एक आईएएस अधिकारी थे, अभी उनको एज ए सेक्रेटरी तौर पे डिफेंस मिनिस्ट्री के अपॉइंट है वो किया गया है। मतलब कि अजय कुमार जो कि एक आईएएस अधिकारी थे, इनको सेक्रेटरी की पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है। किसके द्वारा? अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा। कौन से सेक्रेटरी? डिफेंस मिनिस्ट्री के। तो ये कंटेक्स्ट है। तो आपको कंटेक्स्ट याद नहीं रखना है, आपको ध्यान रखना है कि अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट है इसके हेड कौन होते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है एजुकेशन से रिलेटेड है, वो है निष्ठा के बारे में। निष्ठा की फुल फॉर्म क्या है? निष्ठा की फुल फॉर्म है यहाँ पे नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक अचीवमेंट। ये देखो एक एचआरडी मिनिस्ट्री का, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसका एक इनिशिएटिव है। इसका मोटो यह है कि हमारे देश में जो एजुकेशन की क्वालिटी है ना, इसको इम्प्रूव करना। अब देखो इसमें लगभग हमारे देश के अप्रोक्सीमेट उम्मीद की जा रही है कि लगभग 50 लाख से ज़्यादा ऐसे टीचर्स हैं जिनको यहाँ से इनकी स्किलिंग है, मतलब उनको री स्किल्स हैं वो दी जाएंगी। देखो आज के टाइम पे नए टैलेंट की जरूरत है, नए आइडियाज़ की जरूरत है। तो टीचर्स को जब ट्रेनिंग दी जाएगी कि भाई किस तरीके का हमें मतलब बच्चों के अंदर क्वालिटी चाहिए, क्या क्या उनके अंदर चेंजेस करने हैं, किस किस तरीके की उनको जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो प्रोवाइड करवाना है, इसीलिए उनको ट्रेनिंग है वो दी जाएगी। अब देखो इसके लिए जो एचआरडी मिनिस्ट्री है उसने एक वेबसाइट भी बनाई है निष्ठा के नाम से, और ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी बनाए हैं कि किस तरीके से अलग अलग ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ जो प्रीमियर बुकलेट है वो तैयार की है, और एक मोबाइल ऐप भी बनाया है। इस मोबाइल ऐप के जरिए जो टीचर्स हैं हमारे देश के ऑल ओवर इंडिया में, जो सभी स्टेट्स हो गए हैं और जो यूटीज है ना, वहाँ सभी जगह पे एप्लीकेबल होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। काम क्या होगा? इसका काम यही है कि जो टीचर्स हैं ना, इनके अंदर कैपेसिटी को बिल्डअप करना, उनको री स्किलिंग प्रोवाइड करना, इसके साथ ही उनको डाइवर्स एरिया में जो हैंडल है, बच्चों को किस तरीके से हैंडल करना है, कौन कौन सी सिचुएशंस आती हैं तो किस तरीके से उन्हें टैकल करना होता है, ये सारी चीज़ें उनको यहाँ पे बताई जाएंगी। मोटो देखो ऑल ओवर अगर हम बात करें तो इसका घुमा फिरा के मोटो यही है कि आज के टाइम पे जिस तरीक़ों की स्कूल जिस तरीके की जो स्किल होती है बच्चों में, टैलेंट की ज़रूरत होती है, इसको उजागर करने के लिए टीचर्स को भी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। और वही ट्रेनिंग है वो स्टेट्स के सभी जो डिस्ट्रिक्ट हैं, इसी के साथ ही डाइट होगी और भी हम बात करें ब्लॉक लेवल पे, सभी जगह पे ट्रेनिंग है वो टीचर्स को प्रोवाइड करवाई जाएगी। टीचर्स हों चाहे प्रिंसिपल हो, मतलब प्राइमरी लेवल के टीचर्स भी हैं, सीनियर सेकेंडरी लेवल के भी हैं, हायर एजुकेशन के सभी टीचर्स को बेसिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने का एक मोटो है, एक प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया है। अब देखो उसमें मोबाइल ऐप है, इसके जरिए भी टीचर्स वो ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे उनको वीडियोज़ वगैरह मिलेंगे, इनको गाइडलाइंस वगैरह दी जाएंगी, तो काफ़ी सारा फायदा उनको मिलेगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो यहाँ पे आया है सरल के बारे में। सरल की फुल फॉर्म है स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। देखो है क्या ये, आप नाम से थोड़ा समझ में आ गया होगा आपको। ये जो इंडेक्स है एक, ये इसलिए तैयार किया गया है कि भाई हमारे देश के अंदर जो सभी स्टेट्स हैं ना, इन्होंने सोलर रूफटॉप को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अप्लाई करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव उठाए हैं और किस तरह की उन्होंने अट्रैक्शन प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। मतलब एक लाइन में अगर आपको बोलना चाहूँ तो इसका ये मतलब है कि जो स्टेट हैं वो जो छतों के ऊपर सोलर पैनल इंस्टॉल करने थे इसके लेके वो कितने एक्टिव हैं, इस चीज़ को जांचने के लिए है इंडेक्स है वो जारी किया गया है कि भाई स्टेट ने कितना अपना अट्रैक्टिवनेस यहाँ पे शो किया है। अब देखो इसका फ़ायदा क्या है, आपको पता होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल के टारगेट है ना, इसमें एक टारगेट में ये बात थी कि इंडिया है ना वो 2022 तक 175 गीगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है ना, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इनके द्वारा उत्पन्न करेगा 2022 तक। और जो इसमें 175 गीगावाट की बात की गई थी ना, इस 175 गीगावाट में भी ये प्रावधान किया गया था कि जो 100 गीगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो तो इंडिया अकेला सोलर पैनल से ही मतलब उत्पन्न है वो करना है। तो इंडिया को अगर ये टारगेट अचीव करना है, इस टारगेट को अचीव करने के लिए इंडिया को काफ़ी सारे स्टेप उठाने होंगे, और उसी का एक अहम पार्ट हो जाता है कि भाई स्टेट है वो किस तरीके से सोलर पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं, कितने वो अट्रैक्टिवनेस का प्रोग्राम चला रहे हैं ताकि जो लोग हैं वो छतों पर जो सोलर पैनल है वो लगा रहे हैं। आजकल आपने देखा होगा या आपने भी घर पे देखा होगा, अपने घरों पे जो सोलर पैनल हैं वो लोगों ने लगा रखे हैं,
जिसका फायदा ये है कि दिन के टाइम पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मतलब वहीं से कंज्यूम की जाए, और रात के टाइम पे जो बैटरी वगैरह होती हैं वहां से उसको यूज है वो किया जा सके। यानी कि जो बाकी पावर ग्रिड हैं, जो थर्मल पावर प्लांट हैं, इनका बोझ कम होगा और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हमें मिलेगी, जिससे कोई भी इन्वायरमेंट का बड़ा नुकसान भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो बेसिकली इसका मोटो यही है सरल का कि स्टेट है उन्होंने सोलर रूफ टॉप को डिप्लॉय करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाए हैं, किस तरीके के उन्होंने एक्टिव नेक्स प्रोग्राम रखे हैं, इसको जांच करने के लिए सरल इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। यह जो प्रोग्राम है वह है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसके साथ ही शक्ति एक सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन है वो, और इसी के साथ एक एसोचम जो कि जो हमारे देश की कंपनीज है इनका ही एक ग्रुप है, उसका नाम है एसोचम। और इस इंडेक्स में कर्नाटका को फर्स्ट रैंक है वो प्रोवाइड करवाई गई है। तो ये आपको फिर ध्यान में रखने हैं, सरल है क्या, क्यों इसको स्टार्ट किया गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इंडिया ने क्या टारगेट रखा था वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो आई है साइट्स को लेके। साइट्स का मतलब है कन्वेंशन ऑफ इंडेंजर्ड ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज को लेके है। यह देखो जो इंडेंजर्ड स्पीसीज की बात यहाँ पे ये है कि केवल प्लांट और एनिमल की बात, दोनों को काउंट किया गया है, फोना एंड फ्लोरा। इनकी कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, फोना एंड फ्लोरा दोनों को इसमें काउंट किया गया है। साइट्स की बेसिकली एक दूसरा नाम भी है, वो है वाशिंगटन कन्वेंशन। वो ये जो साइट्स है ना, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि 3 मार्च 1973 को अडॉप्ट है वो किया गया था, इसीलिए 3 मार्च को हमेशा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे भी मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है, 3 मार्च को, और ये किस रिलेटेड है, साइट्स के। लेकिन है क्या इसका मोटा, सॉरी इसको मोटो, इसको मोटो ये है कि जो हम ऑल ओवर वर्ल्ड में फोना यानी कि जो एनिमल और प्लांट दोनों की जो स्पीसीज हैं जो कि विलुप्त हो सकती हैं, इंडेंजर्ड लिस्ट में है, उनके ऊपर काफ़ी खतरा है, इनको इनका ट्रेड है वो ना हो, मतलब इनका ट्रेड है वो रेगुलेट हो, ऐसा नहीं हो कि मन मर्जी से इनकी ट्रेड हो रही और जिसकी वजह से एकदम विलुप्त या ख़त्म हो जाए। तो बेसिकली काम क्या करती है, रेगुलेट कॉमर्शियल ट्रेड एट वर्ल्ड वाइड लेवल, मतलब कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं इनके कॉमर्शियल ट्रेड को, ध्यान रखना यहाँ पे वर्ड क्या है, कॉमर्शियल ट्रेड को रेगुलेट है वो ये करती है। और ये इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है वो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है। और एक चीज़ ये है, जिस भी कंट्री ने साइट्स के ऊपर साइन की है इस एग्रीमेंट पे, उसके लिए लीगली बाइंडिंग हो जाती है कि इसको सारी गाइडलाइंस वो फुलफिल करनी होंगी। तो ये है साइट्स के बारे में कुछ फैक्ट जो हमने यहाँ पे कवर किए हैं। इसका जो है सेक्रेटेरिएट है वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। तो ये भी आप ध्यान रख लेना कि साइट्स का सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है। नेक्स्ट एक छोटी सी न्यूज है वो आई है केरला को लेके। कंटेक्स्ट ये आया है कि केरला इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिट्स है ना, वहाँ पे जो व्हीकल्स होते हैं उनके जो ड्राइवर होते हैं वहाँ पे वुमेन ड्राइवर को अपॉइंट करने की बात है वो कही है। तो ये पहला स्टेट कौन सा हुआ है, केरल। ये आपको बस एक छोटा सा फैक्ट के तौर पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है कश्मीर सुपर 50 प्रोजेक्ट को लेके। कश्मीर सुपर 50 प्रोजेक्ट है क्या, देखो यह जो प्रोजेक्ट है ना, इंडियन आर्मी और इसी के साथ ही सेंटर फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप, और इसी के साथ ही एक लिमिटेड कंपनी है जिसका नाम है पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड, इन तीनों का जॉइंट इनिशिएटिव है। इसका मोटो क्या है, कश्मीर सुपर 50 प्रोजेक्ट का मोटो यह है कि कश्मीर के अंदर जो लोग इकोनॉमिक और सोशल वीक हैं और उनके जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं ढंग से, इनको IIT JEE इसी के साथ ही नीट और जो JKCET की एग्जाम है वो उनके लिए फ्री कोचिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, फ्री आवास प्रोवाइड करवाया जाएगा। जिस तरीके से आपने सुपर 30 मूवी के बारे में देखा होगा, आपने मूवी देखी होगी, उसी टाइप का ये एक इनिशिएटिव है जो कि इंडियन आर्मी और सेंटर फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप और पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड का एक इनिशिएटिव है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लास्ट में एक छोटा सा मैपिंग रिलेटेड न्यूज़ है, ये वो आई है कि भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं यानी कि जो हम बात करें उपराष्ट्रपति हैं, वो अभी बाल्टिक कंट्रीज़ की यात्रा पे गए। तो उसको लेके हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि भाई बाल्टिक कंट्रीज़ कौन सी हैं। देखो जो बाल्टिक सी आपने देखा होगा मतलब मैप वगैरह में, यह है बाल्टिक सी। बाल्टिक सी के पास 3 कंट्रीज़ हैं, इनको बाल्टिक कंट्रीज़ के नाम से जाना जाता है। एक तो यहाँ पे हो गया है, इथोनेशिया होगी, लातविया होगी, और एक है यहाँ पे लिथुआनिया। तो ये 3 कंट्रीज़ को बाल्टिक कंट्रीज़ के नाम से जाना जाता है। तो ये एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे कि बाल्टिक जो कंट्री कौन सी है, ये आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके बाद में यहाँ पे साइड में आपको पता है कि मैक्सिमम हिस्सा है जो रशिया का है, नीचे बेलारूस है, इधर भी एक छोटा सा हिस्सा ये वापस रशिया का आ जाता है, फिर नीचे यहाँ पे पोलैंड है। तो इस तरीके के खैर वो मैपिंग हम आगे कवर कर लेंगे। तो ये थी आज की जो कंप्लीट न्यूज़ जो हमने यहाँ पे कवर की।
तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।